अपने को खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए। कोबरा बटालियन का एक जवान अब भी नक्सलियों के कब्जे में है, ऐसा नक्सलियों ने दावा किया है। बीजापुर मुठभेड़ में शहीद हुए एक जवान श्रवण कश्यप की पत्नी ने नक्सलियों से अगवा जवान को छोड़ने की अपील की है। शहीद की पत्नी ने मार्मिक अपील करते हुए कहा कि जो दर्द उन्हें झेलना पड़ रहा है वो किसी और महिला को ना झेलना पड़े, इसलिए नक्सलियों को अगवा जवान को सुरक्षित छोड़ देना चाहिए। हाँ, भगवान से मैं दुआ करती हूँ ना, उसके पति उसके घर सही सलामत जाए, मेरे साथ जो हुआ उनके साथ मत होए। श्रवण के परिवार के साथ पूरे बनिया गांव में शोक का माहौल है। गांव वालों ने बताया कि श्रवण कश्यप मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। गाँव की समस्या को भी लेकर उन्होंने कई बार आवाज उठाई है। उनके मौत से पूरा गाँव गम में डूबा हुआ है। श्रवण कश्यप बस्तर के बकावन ब्लॉक के बनिया गांव के रहने वाले थे। एसटीएफ के जवान श्रवण कश्यप अपने पीछे परिवार में 8 सदस्य को छोड़ गए हैं। इसमें उनका 5 साल का बेटा, उनकी पत्नी, उनकी माँ, बड़े भाई, नानी और भाभी के अलावा 2 भतीजे और अपनी बड़ी बहन की भी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर थी। परिवार के सदस्यों का कहना है कि श्रवण के चले जाने से अब उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और भविष्य की चिंता भी सताने लगी है। वो ना शादी था, हम लोग क्या जनवरी में आए थे, 31 जनवरी को आए थे और ना 15 फरवरी को चले गए और उसके बाद नहीं आए। अच्छा, और कॉल कब आया उनका लास्ट टाइम? वो शुक्रवार रात को ही आया, कोई 7 बजे करीबन जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं बोले। तो मैं बोली कब आओगे, तो कल शाम तक पहुँच जाएंगे। फिर बाबू से थोड़ा देर बात हो, कब आओगे पापा, बोले तो मैं कल आ जाऊँ उनका घर बोले। हाँ, सुबह से मैं ट्राई कर रही थी ना, सुबह से ही बंची बंद बता रहा था, वैसे ट्राई कर रहा, इसके पास फ़ोन कर रही हूँ, उसके पास, उसके दोस्त मन के पास भी फ़ोन की, तो ठीक है भाभी आपको पता करके बताते हैं बोले, सब कोई ऐसी बोले, मेरे को 2-3 जन पता करके ही बताते हैं बोले। हाँ, 8 जन करीबन। अच्छा, पूरा उन्हीं का जिम्मेदारी? हाँ, उन्हीं का ही था। अच्छा। देश टीवी के लिए बस्तर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट।